प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन चला रहे हैं? किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चला रहे हैं? तो आपके सामने हो रहा है, ये प्रदर्शन सामने हो रहा है ना, ये तो तरीका क्या जाने जा रहा है? हम शांतिपूर्वक पद यात्रा निकाल रहे हैं, देश की सरकार नहीं जाएगी पद यात्रा, चेतावनी यात्रा बदल जाएगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या ये हिंदुओं की प्रताड़ना जो है चारों तरफ देखने के लिए मिल रही है, या इसके लिए आप भारत की तरफ से क्या मांग रहे हैं? क्या मीडिया नहीं देख रहा है ये बातें? आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये प्रताड़ना, हिंदुओं की प्रताड़ना जो हो रही है, क्या मीडिया को नहीं दिख रही है? क्या पूरे देश में, पूरे देश में देखे हो रही है? तो इसमें तो क्वेश्चन ही आपका कैसा हो गया ना? ये तो यहाँ पर आप जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सत्ता प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इमीडिएटली, जैसे आपने पाकिस्तान में इंटरफेयर किया था, पाकिस्तान में आपने अटैक किया था, इसी तरह से यहाँ पर अटैक करें बांग्लादेश के अंदर, कुछ बांग्लादेश के बांग्लादेश अटैक करें हिंदू रक्षा के लिए, कोई रास्ता नहीं है। और इसमें तो गवर्नमेंट को अब तक इंटरफेयर कर लेना चाहिए था, हमें इतना बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। और जब रही बात धर्म के आधार पर, जब 1947 में देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, 1947 में देश का बंटवारा सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश बना था, ये उनकी मांग थी, पूरी हो गई, ये देश तो हिंदुओं का बचा ही बचा, इस पर शक कहाँ रह गया, किस पर शक है?